अरे ये तो भाई कितना जबरदस्त एग्जॉस्ट है तो, और ये अंदर इसमें अंदर क्या बना इससे ना? तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप लग रहे हैं, ये देखो आप, ये बहुत मजबूत है, बहुत जबरदस्त चीज है यार। ये मशीन है, एक चढ़ाई थी एक उतारी है। कितना पैसा लेके चले जाते तीन महीने में? ये स्क्रीन भी दे रखी है और नहीं है क्लच इसमें। अच्छा क्लच नहीं, उनको तो पेमेंट अच्छा मिलता होगा। क्या पेमेंट मिल जाता है? जरूरी लगाना क्यों ऐसा क्यों? क्या टाइम टेबल बोलते हैं इसको? निकलता बेसी बूम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। बिल्कुल डिफरेंट चीज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये क्रेन है, सैनी क्रेन, मतलब भाई ये बहुत ह्यूज है। और 55-30 ट्रक खड़ा है पीछे, ट्रेलर ट्रक, वो भी इसको चाहिए चलाने के लिए। भाई पूरी डिटेल में वीडियो मिलेगी आपको, देखना जरूर। गोपी भाई हमारे साथ हैं। गोपी भाई बहुत अच्छे नेचर के इंसान है, पंजाब के। गोपी भाई पंजाब के, मैं जिस इंसान से मिलता हूँ ना वैसा थोड़ा सा बोलने का तरीका मेरा हो जाता है। तो ये देखिए भाई, ये सैनी की क्रेन। गोपी भाई मतलब ये किस काम में आती है? ये रेलवे गार्डर करने काम आती है, ब्लॉक में रेलवे। रेलवे? हाँ ब्लॉक रखते हैं। अच्छा वो रेलवे ब्रिज वगैरह के जो बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं, 90-90 टन की जो गाड़ी, उनके लिए काम आती है, उसके अलावा किसी काम में नहीं आती? आती है, कोई जाना है कंपनी में जाना है, उधर भी कंपनी कंपनी में जो सामान जाना है, मतलब ये नॉर्मल ट्रक व्रक उठाते हैं जो एक्सीडेंट वगैरह। तो ये तो बहुत बड़ा है भाई, बहुत ह्यूज है। इसमें इंजन विंजन कौन सा आता है? मर्सिडीज का इंजन है इसमें, मर्सिडीज का इंजन आता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताओ ना हमें। ये बड़ा एकदम चौकुट्टा सा इसका शेप होता है भाई, देखिए यहाँ से बिल्कुल इधर से मैं प्रोफाइल दिखाऊँ, थोड़ा ट्रक भी चल रहा है तो मैं पीछे भी जाके दिखाऊंगा आपको। पहले बाहर से दिखा देते हैं अपन, है ना, ऐसा सामने से देखेंगे तो ये सैनी बाहर की कंपनी है, सैनी मर्सिडीज का इंजन है। ये सैनी लिखा हुआ देख रहे हैं आप, तो ये बड़ा, और ये इसका देखो आप कितना हैवी है ये, है बहुत हैवी चीज। इसका मेंटेनेंस भी बहुत हैवी आता होगा। इसका एवरेज एवरेज आता है क्या? एवरेज आता ना। कितना माइलेज देता है? एक की एवरेज। एक की एवरेज है बस? अरे आप ही चलाते हैं इसको? हाँ। अरे क्या बात है। ये देखो भाई इसको पूरा बता दो, ये क्या फंक्शन है पूरा? ये बेसी बूम निकलता बाहर। हाँ बेसी बूम, बेसी बूम। ये बाहर मीटर 75 मीटर ये बाहर निकल जाता है भाई। ये जो पोर्शन दिख रहा है ना अभी, यहाँ से ऐसे बाहर आता होगा पूरा, ये 75 मीटर पूरा बाहर आ जाता है, है ना। और यहाँ से दिखाऊं तो इसका हेडलाइट वेडलाइट वाला सिस्टम है, ये ग्लास वगैरह लगे हुए हैं इसमें, और ये प्रोफाइल अंदर से थोड़ा सस्पेंस है दिखाएंगे। और टायर देखिए आप भाई, टायर इसका बहुत ह्यूज है, 1425। गोपी भाई एक मिनट, टायर के पास आएंगे आप, आइए। अब ये देखो आप, बिल्कुल गोपी भाई की हाइट के बराबर ही है, लगभग आ गया टायर 1425। ये क्या है गोपी भाई? जैक मतलब ये मीटर निकलता है, 3 मीटर बाहर निकलता है, तो नीचे रखा जाता है। ये 1 मीटर नीचे निकलता है। तो ये किस लिए रखते हैं इसको नीचे? ये क्या है, गाड़ी लेवल में करके माल खाना होता है। अच्छा गाड़ी लेवल में करके माल। अब ये देखिए पीछे बैठा, 1, 2, 3, 4, 5 टायर है, बड़े बड़े ह्यूज से। और यहाँ देखेंगे ये क्या है, टूल बॉक्स हो गया इसका, है ना, ये टूल बॉक्स है, सामान बताएंगे इसको। ये टूल बॉक्स है, गोपी भाई बहुत इंटरेस्टेड है बताने के लिए भी। और यहाँ पे भी वही जो रखने के लिए इसको पीछे दे रखा है, पीछे से इसकी प्रोफाइल कुछ ऐसी है। अच्छा ये रस्सी वगैरह, वो जो क्रेन का जो खींचने वाला सिस्टम रहता है, स्लिंग रहती है। आपका क्या नाम है? हरदीप सिंह। हरदीप भाई, हरदीप भाई मोस्ट वेलकम हरदीप भाई। यहाँ पे इससे चढ़ने का सिस्टम रहता होगा, ये सोते वोते आप ऊपर ही है इसमें। ये भाई पूरा इसका टूल बॉक्स वगैरह रखा हुआ है। और ये क्या घूमता होगा पूरा, है ना? टाइम टेबल बोलते हैं इसको। अच्छा ये मतलब चलता तो बहुत धीरे धीरे होगा? नहीं चलता है। और ये पीछे देखेंगे आप तो ये इसके साथ जो है ना एक 55-30 ट्रेलर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टार ट्रेलर रखा हुआ है इसके साथ। ये क्यों भाई, ये साथ में क्यों रखा है इसके? इसका काउंटर वेट है, ये जो पीछे इसमें रखा हुआ है, ये काउंटर वेट लगाना जरूरी है इसमें। ऑपरेटर को पूछो। हाँ जरूरी है लगाना, जरूरी है लगाना। क्यों ऐसा क्यों? क्या इसमें सामान पर भारी उठाना होता है माल वगैरह, हाँ 90-90 टन का, तो वो वजन कर जाती हाँ। है बिना से, तो ये साथ में चलता है। हाँ ये साथ में चलेगा लेके। ये गवर्नमेंट होता है भाई, ये मतलब गवर्नमेंट का होता है, पर्सनल होता है ये? अपना पर्सनल है, किसी सेठ का। अच्छा सेठ का पर्सनल है, तो इसको जो ऑपरेट चलाते हैं उनको तो पेमेंट अच्छा मिलता होगा?
क्या पेमेंट मिल जाता है चलाने में? 45,000 रुपए महीना। अरे क्या बात है। और ये वाला ये चलाते हैं उनको अलग, इसका 25,000 है। बढ़िया यार, इस साइड से दिखा दें फिर अंदर चलते हैं अपन। गोपी भाई, अरे बहुत ह्यूज है भाई ये, देखो आप। अच्छा ये ऊपर पूरा वो जो एक क्रेन जैसा सिस्टम होता है वो लगा, उसमें अंदर भी बैठने बैठने का सिस्टम? अंदर भी बैठने, तो वो अंदर कैसे जाते होंगे इसमें अंदर? आपने सोने वोने का भी जमा रखा है क्या? अंदर नीचे लग गया बैठ, अंदर वाले अंदर से बताइए। ऊपर एसी लगा हुआ है? अच्छा मतलब वो कूलर लगाया हुआ है। एसी भी है इसमें? एसी भी आता है इसमें? वो तो अपने रूम के लिए रखा है। अच्छा क्या बात है यार, इसमें तो एसी भी आता है। तो यहाँ से भी ऑपरेट होता है ये? अच्छा यहाँ से माल तो यहाँ से उठेगा ना, उठाता है ना ऑपरेटर। अच्छा माल वगैरह सब यहाँ से उठाता है, वहाँ से सिर्फ चलता है। लेकिन एक बात में रनिंग रहेगी भाजी, एक बात बताइए मुझे, ये लेफ्ट हैंड ड्राइव क्यों आता है? देसी गाड़ी है ना, बाहर की गाड़ी है, बाहर करेंगे। अच्छा यहाँ होता ही नहीं है इसका कोई काम? इधर नहीं है। अब अपन अंदर से देखते हैं, सस्पेंस भाई, अब अंदर से दिखाते हैं आपको बेहतरीन। मैं उधर से आता हूँ। टकरा जाएगा, फट जाएगा मेरे सर इससे। भाई वीडियो मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। मैं चाहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिले। ये भाई अंदर से कुछ ऐसा है, ये इसका विंडो वगैरह, पावर विंडो मिलती है इसमें। उधर आ जाता है। अरे वाह यार, हा? भाई अंदर से पूरा देखो आप इसको, क्या चीज है ये। इसमें देखो आप, एसी भी आता है ना इसमें? एसी आता है? एसी हाँ, बंद कर लो, कोई बात नहीं। ये इसका पावर विंडो है, ये देखिए भाई, ये पूरा इसका पावर विंडो है। ये इसका और डैशबोर्ड की क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त है, एसी वगैरह इसमें आता ही है, भाई ने बता दिया। और ये क्या पीछे भाई, क्या ये सब क्या है? ये टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स, फ्यूज वगैरह है इसमें। अच्छा फ्यूज वगैरह इसमें, फ्यूज है इसमें, फ्यूज भी है। ये पीछे गाड़ी का बना हुआ बिल्कुल, ये दो लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते है। आइए ना, बैठिए ना। और देखो आपका, ये हॉर्न है इसका, बजाना एक बार। और चालू हो गया है? चालू हो गया, अभी एसी करेंगे चालू जी। एसी करता है, इसमें गियर है, ये गियर सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक है? हाँ इसमें ऑटोमेटिक गियर है इसमें। अरे यार ये तो इधर ना क्लच है इसका। हाँ ये क्लच वगैरह सिस्टम नहीं है, क्लच इसमें। अच्छा क्लच नहीं है, ऑटोमेटिक चलता है पूरा। अच्छा पावर देता होगा ये बस। ये देखिए आप भाई, रिवर्स न्यूटन ड्राइव मोड सब, ये क्या चीज है? ये पूरा लेवल करेंगे, बाकी बटन वगैरह लेवल करने के लिए बटन है ये। क्या चीज लेवल होती है इससे? इससे क्रेन ऊपर वाला जो चलता है। अच्छा अच्छा, उसको लेवल करने के लिए, मतलब एक एक इंसान यहाँ पे भी चाहिए और एक इंसान पीछे भी चाहिए। अरे नहीं, नहीं एक ही चलाता है, एक ही चलाता है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। अच्छा वो नीचे आके लेवल कर देता होगा, फिर ऊपर जाके उसको इधर उधर एडजस्ट कर देता होगा। ये ऊपर भाई ने इसको सजा रखा है बिल्कुल, ये इससे गर्मी नहीं लगती होगी, ये वाले जो दे रखा है। ये स्क्रीन भी दे रखी है। और एक और बार बताइए ना कैसा करिए उसको। हाय हाय हाय, ये देखिए भाई क्या क्या मतलब बेहतरीन चीज दे रखी है इसमें। ये भी क्वालिटी वाइज है भाई, क्वालिटी का दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें एक स्क्रीन भी आती है, टच स्क्रीन सिस्टम है इसमें। हाँ गाना भी बजता है इसमें, देखो गाना मत बजाना भाई, कॉपीराइट हो जाएगा। ये क्या है, माइक किसने दे रखा है? खुशबू वगैरह के लिए, सेंट वगैरह डाल दो ना, सेंट वगैरह के लिए माइक भी रखा है। और इसका ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो ये इसकी MID है, कहाँ तक स्पीड जाती है इसकी? 200 120? नहीं नहीं 100 तक कर जाती है, बस 100 तक जाती है, 100 से ज्यादा नहीं जाती, नहीं जाती। अच्छा आप इसको कब से चला रहे हैं गोपी भाई? हो गया मेरे साल, हो गया एक साल हो गया आपको चलाते चलाते। इसको चलाने में बड़ी दिक्कत आती होगी आपको जी? नहीं, ये टेलर से बढ़िया चलती है, चलती तो बढ़िया है, लेकिन आप देखो आगे से इतना बड़ा डंडा निकला है, पीछे भी निकला है, मतलब बड़ा कितना है ये? 75 मीटर निकलता है बाहर इसका, 75 मीटर। अच्छा तो वही तो इसको मतलब बोर्ड देख संभाल के चलाना पड़ता होगा। कितना टाइम में सीखा था आपने इसको चलाना? इसको 3 साल लग गए मेरे को सीखने में इसको, पूरा जानकारी चाहिए नीचे से लगे ऊपर। इसकी ट्रेनिंग होती होगी कुछ भाई? नहीं बाहर से चलती है, इधर नहीं चलती पंजाब में। नहीं बाहर से तो चलती है, लेकिन जैसे नॉर्मल जो ड्राइवर होता है उसको डायरेक्ट रख लेते हैं कि फिर उसमें? नहीं नहीं हेल्परी करेंगे ना, 2-3 साल हेल्परी करेगा फिर उसे। अच्छा 2-3 साल हेल्परी करेंगे, उसके बाद उसमें लगती कोई स्पेशल लाइसेंस तो नहीं लगता ना? नॉर्मल लाइसेंस लाइसेंस से हैवी लगेगा ना? नहीं हैवी तो लगेगा, उसके अलावा तो कोई नहीं 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 क्रेन का लगेगा। हैं क्रेन का लगेगा, क्रेन का लाइसेंस लगेगा, वो अलग से बनता है क्रेन का लाइसेंस,
वो कैसा कैसे बनता है वो क्रेन का जैसे ही बनता है हम बनता है ऐसे ही उसका बनता है अच्छा उसका एक सर्टिफिकेट वगैरह मिलता होगा वैसा ये चलने वलने में एकदम पावर स्टीयरिंग बेहतरीन है इसका जो मेंटेनेंस होता है जैसे दूसरी गाड़ियों की सर्विस होती है इसकी भी सर्विस होती होगी तीन महीने में कितना पैसा लेके चले जाते हैं तीन महीने में नहीं पता हमारे पास चलान का पता है इतना चलान का अब चलाते हैं रीडिंग करते हैं इसका पता है चलाने का पता है हाँ। तो ये यहाँ पे खड़ा क्यों भाई है ये भाई दूसरी कंपनी में जाएगा उधर काम है दो तीन दिन जगह भोपाल मेट्रो में काम करके आई थी अच्छा भोपाल में जो मेट्रो का काम हो रहा है काम करके आई थी उसके बाद यहाँ खड़ी है अभी फिर जाएगी एक मशीन है एक चढ़ाई थी एक उतारी मशीन अंदर लगे आया वो देखो अच्छा दो मशीन वो अंदर भी लगी है अरे बाप रे भाई इसमें लेकिन ये बात है कमाई अच्छी होती होगी जो भी सेट है नहीं पगार तो है आपकी लेकिन जो सेट है उसको बड़ी अच्छी कमाई होती है ये मेरे ख्याल से करोड़ों की तो मशीन सात करोड़ की है सात आठ करोड़ की है और बाप रे बाप सात आठ करोड़ की चीज है भाई ऊपर टैक्स वगैरह भी दिया है सरकार ने टैक्स वगैरह देखे तो मेरे ख्याल से फिर वो आठ दस की पड़ गई होगी आप लोग सब इसको आप लोग सभी चलाते हैं इसको पीछे वाले ट्रक को इसको नहीं मैं ट्रेलर ही चलाता हूँ और ये कितने लोग लग जाते हैं ये ट्रेलर और ये सब में मिला के इसमें हमारे दो ट्रेलर चलते हैं दो ट्रेलर चलते हैं अच्छा मतलब एक और ट्रेलर इसका 70-72 टन वेट ही है मतलब काउंटर वेट अरे वाह 80 टन जी इधर भी 80 टन वेट है इसका 80 टन वेट है इसका अंदर से बड़ा जबरदस्त है यार ये सोते वोते कहाँ है आप इसमें जगह नहीं है इतनी सोने की पीछे पीछे हो जाता है अरे इसका एसी तो बहुत ठंडा है यार शीशे खुले चढ़े हैं शीशा खुला है उसके बाद भी देखो आप ये भी इतना खुला वो भी इतना बहुत चिल्ड कर दिया भाई इसने बहुत जबरदस्त चीज है यार ये उसके डैशबोर्ड की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि आगे से जो आयशर के ट्रक होते हैं ना उससे ज्यादा मजबूत तो इसका डैशबोर्ड है ये देखो आप ये बहुत मजबूत डैशबोर्ड है इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है चश्मा पहन लो ना भाई अरे लगा हीरो गोपी भाई हमारे ये देखो अब लग रहा ना गोपी भाई एक बार ऊपर चढ़ के दिखाओगे चलो एक बार भाई बाहर चलते हैं अंदर से तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया बहुत बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की ये चीज है अब एक बार थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का सिस्टम कहाँ से क्या है मैं वो दिखा देता हूँ आपको ऊपर चढ़ के भी क्या चीजें हैं क्या नहीं है बाकी अच्छी चीज़ दिखाई यूनिक चीज़ दिखाई मैंने आपको भाई थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन थी वो ही मैंने आपको बता दी इसमें कैसे क्या सिस्टम रहता है कहाँ से चढ़ते हैं भाई इसमें अच्छा चलिए आइए अब ऊपर चढ़ते हैं अरे बाप रे बाप ये तो दोनों हाथ से चढ़ना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं ये भाई मैं ऊपर चढ़ गया पास से ही बता देता हूँ इसको ये इसमें वो एग्जॉस्ट लगा होगा अरे ये तो भाई कितना जबरदस्त एग्जॉस्ट है तो इसका क्या बोलते हैं इंजन वोल्वो का ट्रक का 12,000 सीसी का आता है उससे ज्यादा इंजन होगा इसका 600 वाट का है हाँ किलो वाट का पता है मैंने स्पेसिफिकेशन निकालना चाहिए एकदम से इंजन निकालने ये इसका क्या है हाइड्रोलिक कॉइल ऑयल वगैरह डलता है ऑयल देखिए ऑयल कितना डलता होगा भाई इसमें कितना ह्यूज है और जब नॉर्मल ट्रक के जो एग्जॉस्ट होते हैं वो 5-5-6-6 लाख के आते हैं तो इसका तो यही खाली 10-20 लाख का होगा ये क्या लगे हुआ भाई इसमें एसी वाला और ये अंदर इसमें इसमें घुसना मुश्किल होता होगा थोड़ा सा हाँ कोई दिक्कत नहीं अभी ज़्यादा घुस के मत दिखाओ कोई दिक्कत नहीं और ये सब इसके सिस्टम ताम झाम लगे हुए हैं बाकी तो भाई बेतमा इंदौर और क्या क्या बताऊं मैं आपको इसमें विशाल क्रेन सर्विस है ये अगर आपको लगे आपको क्या लगे कभी आपको ब्रिज बनवाना हो मेट्रो ट्रेन की लाइनें डलवाना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं गोपी भाई चलिए नीचे चले नीचे चलते हैं भाई ये टंगिया पूरा ये क्या बहुत बड़ा है कभी आप मैं आपका नंबर लेके जाऊंगा जब इसको चलाओगे ना तो मैं आऊंगा वो थोड़ा देखेंगे कैसे क्या चलता है कैसे क्या कल परसों निकलना है परसों जाएंगे कहाँ जाएगा ये जाएगा भोपाल में ही जाएगा ना हाँ तो मैं मेट्रो में जाएगा हाँ तो वहाँ जो इसे चलता है वो मुझे बताना है बस एक बार तो मैं आऊंगा
और आप बड़े एक्साइटेड और बड़े मजेदार इंसान हो गोपी भाई। बहुत जबरदस्त इंसान है हमारे गोपी भाई और काफी एक्साइटेड भी। पूछ रहे थे पूरा इंडिया में जाएगा ना वीडियो, पूरा दुनिया में जाएगा वीडियो भाई, जब चलेगा ना वीडियो ये मिलियन से जाएगा। और भाई चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। पंजाबी लोगों से मिलने का मजा ही अलग है भाई, कुछ भी कहो आप, बहुत मजेदार होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं। तो भाई ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो भाई लोगों का, जिसमें आपको मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी। 55-30 ट्रक पहले ही बता चुका हूँ उसके बारे में क्या बताना, बाकी जो तामझाम था जितना इन्फॉर्मेशन भाई से मिली जितनी मुझे पता थी, मुझे तो क्या पता थी, खैर वो थोड़ी बहुत मैंने आपको सब बता दी। प्रिकॉशंस वगैरह जो इसमें लिखे हुए वार्निंग वगैरह जो भी है, क्रश हजार्ड वगैरह भाई बहुत डिटेलिंग है इसकी, ऐसे इन्फॉर्मेशन निकल नहीं रही थी, जितनी भाइयों से पूछ पाया मैंने आपको क्लियरली बता दी। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।